चमन में इख्तलात रंगोबू से बात बनती है। इख्तलात रंगोबू मतलब मिंगलिंग ऑफ कलर्स एंड फ्रेग्रेंसेस। चमन में इख्तलात रंगोबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। व्हाट व्हाई आई सेड दिस सर, व्हाई आई सेड दिस, देयर हैज बीन अ टेंडेंसी ऑफ लेट फ्रॉम मेनी साइड्स, माई वे और हाईवे, जो हम कहें वही सही, विकल्प सुनना ही नहीं चाहता कोई। लोग कहते हैं कि हम सुनना चाहते हैं, लेकिन ईयर प्लग लगा के कौन सा सुन रहे हैं, गाना सुन सकते हैं, लोगों के संवाद नहीं सुन सकते। सर लास्ट ईयर ऑल्सो हैड मेड एन ऑब्जर्वेशन, मैम फिनेंस मिनिस्टर, आप सब वाकिफ होंगे, ये किताब है सर, इसी किताब से संसद चलती है, हम लोगों की धड़कनें चलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई वुड अर्ज द गवर्नमेंट, आई मीन मैम फिनेंस मिनिस्टर एंड एमओएस फिनेंस एंड दिस एंटायर कैबिनेट, लुक एट आर्टिकल 38 एंड 39। आई वोंट रीड देम बिकॉज सर बता चुके हैं, मेरा वक्त उसमें चला जाएगा। 38 एंड 39, एंड देन इवेल्युएट योर बजट प्रोविजंस एंड व्हाट इट इज गोइंग टू डू इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी। हमारी चिंता इस बात की है कि बजट आम बजट हुआ करता था सर बीते कुछ वर्षों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के आने के बाद, बीते कुछ वर्षों में खास करके 90 के बाद यह खास बजट हो गया, खास लोगों द्वारा, खास सरोकार के लिए, खास संदर्भ में। ये उचित नहीं है सर, इसे आम बजट रहने दीजिए, यह खास बन जाएगा तो हमसे दूर हो जाएगा, वैसे ही बहुत दूर हो गया। आर्टिकल 38 एंड 39, मैम थ्रू यू चेयरमैन सर, द टू फर्स्ट पैराग्राफ इन योर स्पीच, दे ब्यूटिफुली डिपिक्ट, पेनफुली डिपिक्ट द काइंड ऑफ टाइम्स वी हैव पास थ्रू, कोरोना टाइम्स। और मैं आज अभी यह कहना चाहता हूं, मैंने आपके तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे लॉकडाउन में, उसके दौरान, उसके बाद, आपके चेहरे पर मैंने चिंता की लकीरें देखी हैं। मैं इसे इनकार नहीं कर सकता कि सिर्फ आलोचना के लिए कह दूं कि आप लोग निश्चिंत हैं, नहीं, लेकिन चिंता की वह लकीरें बजट की लकीरों को बदल नहीं पाई, ये मुझे अफसोस होता है। बजट बनाने में, जैसे मैंने कल एक बिल के संदर्भ में कहा था, कई दफा आपके कई सारे फाइनेंस प्रपोजल बिल्स को देख करके लगता है कि लाभार्थी पहले तय है, चीजें पहले तय हो गई हैं। मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, मैं एक अदना सांसद हूं, छोटी पार्टी का, 5 सदस्य हैं, लेकिन चूंकि अध्यक्ष के प्रति लोगों की आस्था है, हमारे पास आ रहे हैं एसोसिएशन से लोग, अभी नीलांचल वाले आए, ओडिशा से, वाइजेग स्टील प्लांट से आए, चिंताएं हैं उनकी, उनकी चिंताओं को खारिज कर दें सर, सिर्फ उनका जो एसेट है वो इतना विशाल है, ना जाने कौन सा अदृश्य व्यक्ति आएगा, ले जाएगा उन प्लांट्स को, उनके मां की तो कहूं नीलांचल में तो उनके पेमेंट के भी इश्यूज। मैं सिर्फ ये इसलिए इस संदर्भ में आपके समक्ष रख रहा हूं, निर्णय तो आप लोग लेंगे, बड़ी मेजॉरिटी है आपके पास, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, बहुमत का मतलब, कल ही मेरे एक चीज से आप लोग सब नाराज हो गए, मैंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली अ नंबर गेम, उसके पीछे, नंबर के पीछे भी कुछ चीजें होती हैं, उसका ध्यान रहे। और बेचारा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं क्या कहूं, पूरे देश का जीवन सुरक्षित कर रहे थे, खुद का जीवन सुरक्षित नहीं कर पाए, अपना ही जीवन इंश्योर नहीं कर पाए, एक बार सोचिएगा जरूर। हालांकि आप लोग फैसला वापस लेने में बहुत हठधर्मिता का परिचय देते हैं सर, मुझे वक्त का की जानकारी है सर, ये जो तीसरा दरवाजा है 1, 2, 3, इसके गेट पे लिखा हुआ है सत्यं वदा धर्मं च, सत्य बोलिए और धर्म का आचरण कीजिए। धर्म वो वाला नहीं जो पूजा पाठ वाला होता है, हमारे यहां धर्म बहुत बड़ी चीज है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से ऊपर की चीज है। तो सत्यं वद धर्मं च, आंकड़ा बनाइए मत, आंकड़ों की इज्जत कीजिए, जो आंकड़े आपको परेशान कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करिए, कहिए कि हम फेल किए, आप मानना ही नहीं चाहते। खैर, मैं अपने राज्य के बारे में क्या बोलूं, कल से एक ख्याल आ रहा है, अब भाजपा वाले लोग ही मदद कर सकते हैं सर, हमारे यहां भी चुनाव अप्रैल मई में करवा दीजिए कुछ व्यवस्था करके, क्योंकि हम छूट जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है, हमें तो कम से कम कहने को के लिए भी लाखों करोड़ नहीं मिलते हैं, ताकि कम से कम कुछ हसीन सपने हम भी देख पाते। तो आपके ऊपर छोड़ता हूं, भाजपा के मित्रों के, क्योंकि कुर्सी के चारों पाए की चाबी आप ही के पास है सर। बिहार के कुछ इलाके हैं,
माननीय सभापति महोदय, मुझे अपने राज्य की चिंता सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं वहां का सांसद हूं, मुझे चिंता इस बात के लिए भी है कि देश के लिए बिहार चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हम श्रम आपूर्ति वाले राज्य में, हमें लोग उसी स्वरूप में, शक्ल में देखना चाहते हैं। सर, हम भी अपनी हकीकत बदलना चाहते हैं, हम भी अपना स्वरूप बदलना चाहते हैं, हम भी अलग विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं। हम आपसे दया नहीं चाहते, सहानुभूति नहीं चाहते, खैरात नहीं चाहते, हम एक अच्छा नजरिया आपसे चाहते हैं, एक नजर चाहते हैं, ताकि बिहार में उद्योग धंधे संसाधनों की कमी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, एक आग्रह होगा, हमको 2 मिनट पहले इशारा कर दीजिएगा, 2 मिनट पहले इशारा कर दीजिएगा, तो मैं मतलब 2 मिनट पहले इशारा कर दीजिएगा। मैं एक चीज और, किसान पर तो काफी चर्चा हो चुकी है, किसान आंदोलनों पर, किसान आंदोलन को लेकर के भी जो नजरिया है उससे भी ये बात साबित होती है कि अक्सर मैं उस शब्द का कई दफा बहुत अतिरेक में भी इस्तेमाल होता है, क्रोनी, ये मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके बजट में अगर छोटे मझौले किसानों के लिए एक सीमा से आगे आप पहलकदमी कर पाते तो ज्यादा बेहतर होता। अभी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है, माननीय सभापति महोदय आपने भी देखा होगा, मैम आपने भी देखा होगा, अनुराग जी आपने भी देखा होगा, वो रिपोर्ट सरकार के लिए नहीं, संसद के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगर 1% लोगों के हाथ में 50% से ज्यादा संसाधन आता है तो ये कौन सा देश हम बना रहे हैं? अरे तालियां बजेंगी, मीडिया में बड़ी तारीफें होंगी, लेकिन मैं बार बार दोहराता हूं, इतिहास इन तालियों और वाहवाही को गुम कर देता है, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में डाल देता है, कोई चर्चा भी नहीं करता। एक बार सोचिएगा कि संपत्ति का ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कहां हमें ले जा रहा है। हम लोग पैंडेमिक के दौरान हम सब ने खोया, आप सब ने चैन खोया, हम सब ने भी चैन खोया, हम सब ने अपने देश की उन हकीकतों को देखा जो हम जानते थे लेकिन एक्नॉलेज नहीं करते थे। मैं खुद उस राज्य से आता हूं जहां माइग्रेशन का बहुत बड़ा एक बहुत अलग किस्म का पैटर्न है, क्वांटम बहुत ज्यादा है, लेकिन जब सड़कों पे मैंने वो पीड़ा बहते हुए देखी, मेरे लिए भी वो झटका था। आपके लिए नहीं रहा होगा, मैं नहीं मानता, आपके लिए भी रहा होगा, लेकिन उनकी चिंताएं क्यों नहीं आ रही है? द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर कंटिन्यूस ग्लोबली। सो हम सब जानते हैं आंद्रे गुंदर फ्रैंक, सैमी रामिन, वॉलस्टेन, ये जो वॉल सिस्टम थियरी था, अब खारिज कर दीजिए कि ये लोग थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट थे, नहीं सर, संपत्ति का बंटवारा चाहते थे, और जब तक संपत्ति और संसाधन का बंटवारा कम से कम इक्विटेबल ना हो, अगर इक्वल ना भी हो, इक्विटेबल नहीं होगा ना, आपकी सारी समस्याएं और बड़ी होती जाएंगी। सारी समस्याओं के जड़ में ये चीज है, और मैं समझता हूं जैसे वॉल सिस्टम थियरी इज अ काइंड ऑफ पैटर्न विच थ्राइव्स ऑन इनइक्वालिटी, प्रोड्यूसेस इनइक्वालिटी, उसी तरह जैसे पुअर कंट्रीज से रिच कंट्रीज, उसी तरह पुअर रीजियन से रिच रीजियन में भी उसी तरह से वेल्थ का ट्रांसफर होता है, और हम जैसे कुछ राज्य उसके विक्टिम हैं। टू इसलिए अरिस्टॉटल ने कहा था, द ग्रेटेस्ट क्राइम्स आर नॉट कमिटेड बाय द सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ नेसेसिटी बट सुपरफ्लुइटी। मैम, 2-4 चीजें रखूंगा, रिडक्शन इन स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, अगर रियल टर्म्स में आप डेटा को देखिए, देर इज अ डिक्लाइन इन एजुकेशन स्पेंडिंग बाय ₹6,076 crores इन रियल टर्म्स, अप्रॉक्सिमेटली 6% दिस ईयर। बोथ द स्कूल एजुकेशन एंड हायर स्कूल एजुकेशन डिवीजन हैव देयर बजट्स कट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ₹43,285 crores विच इज लेस देन ₹50,380 crores द बजट फिगर ऑफ पास्ट ईयर। मैम आपके आंकड़े हैं, मैं आपके आंकड़ों को सिर्फ सामने रख करके बताना चाहता हूं। फिर इश्यूज ऑफ री इनरोलमेंट है, जिसके बारे में कई सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है, सब डिजिटल डिवाइड। माननीय सभापति महोदय, इस पूरे कोरोना काल में एक्सेस टू टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण रहा, ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, कई उस पर सर्वे आ चुके हैं कि इसने अवसर को लिमिट कर दिया है, ड्रॉपआउट्स बढ़ रहे हैं। वो हमारी चिंता का विषय होना चाहिए कि कैसे उन हाथों तक, उन घरों तक
जो हाशिए के लोग हैं हम कौन सी मदद पहुंचा सकते हैं। बड़ा आसान है कई लाख करोड़ किसी का माफ करना, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान है कुछ हजार हर घरों तक पहुंचा देना, ताकि वो डिजिटल डिवाइड से लड़ पाए और एक महफूज व्यवस्था में जी सके। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि शिक्षक नियुक्ति, और ये चिंता का विषय है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी नहीं है, बड़ा एम्बिशियस सा प्लान लेके आए हैं एनईपी के माध्यम से विश्व गुरु। अरे माननीय सभापति महोदय, अगर गुरु ही नहीं होगा तो विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे? तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, मेरे राज्य का शिक्षा प्रेरक अतिथि अनुदेशक शिक्षकों की नियुक्ति, मैं समझता हूं 17% का अभी भी गैप, वहां आपको एक प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लेना होगा माननीय वित्त मंत्री साहिबा। आपको 2 मिनट है। अच्छा सर, तो गड़बड़ हो गया, सारी बात ऐसे ही हो गई। एनीवे सर, फिर मौका आएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, जिससे मनरेगा को लेकर के मेरे सारे साथी कह चुके हैं, मनरेगा को उस सदन में मॉन्यूमेंटल फेलियर कहा गया था। दिल पे हाथ रख के आप सोचिए कि मनरेगा अगर ना हुआ होता तो कोरोना काल में क्या हुआ होता। मनरेगा ने सांसें थाम ली, लोगों की भी और आपकी भी। मनरेगा को लेकर के मेरा मानना है कि आपका एलोकेशन को प्लीज रिविजिट। नंबर वन, नंबर ऑफ डेज को एनहांस करने पर सोचिए, मैन डेज, वर्किंग डेज, और जो कई राज्यों में वो मिनिमम वेज से नीचे है उसके लिए मैं समझता हूँ कंसल्टेशन करके भी संभव हो तो उसको किया जाए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में मैं कहना चाहता था कि फूड सिक्योरिटी का मसला भी इससे जुड़ा हुआ है। मैंने सिर्फ सोशल सेक्टर की चीज़ें ली हैं मैम फिनेंस मिनिस्टर, क्योंकि मैं आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता था। कई लोग आंकड़ों पर बात करते हैं, मैं आंकड़ों के पीछे जो आंखें हैं, जो आंसुओं से तर हैं, नम हैं, उनके बारे में आपके समक्ष रखना चाहता था। और इस आग्रह के साथ माननीय फिनेंस मिनिस्टर सर, रेलवे के बारे में एक चीज कह करके फिर अपनी बात खत्म करूंगा। रेलवे में मैंने पहले भी मंत्री महोदय से बात की थी अलग फोरम पर भी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, इसका कॉस्ट एनालिसिस थोड़ा कर लीजिए। शुड इट बी ए प्रायोरिटी इन अ पैंडेमिक ईयर, नंबर वन। नंबर टू, रेलवे को मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चलाया है, अचानक मैं देख रहा हूं कि रेलवे की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, कर्मचारियों से बात होती है वो कह रहे हैं कि पूरी दिशा ऐसी चल रही है, गिव ए बैड नेम टू अ डॉग एंड देन किल हिम। ये नहीं होना चाहिए सर, मैं बार बार कह रहा हूं। हम लोग तो उस दौर के लोग हैं जो कहते हैं गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। रेलवे हमारे लिए सिर्फ एक ऐसा उपक्रम नहीं था जिसको एक अदृश्य नजरिए से देखें। और माननीय सभापति महोदय, बस एक छोटी टिप्पणी, ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैम ये छोटे ग्रुप ने तैयार की, इसको कहते हैं गांव कनेक्शन, जो पूरे पेंडेमिक के दौरान जिस गांव के बारे में हम सोचते हैं कि हम समझते हैं, हम जानते हैं, कितना कम हम जानते हैं, चाहे हार्वेस्टिंग का मसला हो, जब वो लौट के गए अपने घरों पे, तब के जो मसले थे, मैं सिर्फ इतना आग्रह आपसे करूंगा, मैं ये आपके पास भिजवा रहा हूं। हालांकि ये चूंकि छोटे ग्रुप ने बनाया था तो मैंने बहुत पैसे कंट्रीब्यूट करके ही लिया था, लेकिन मैं आपको दूंगा। शायद जब आप एक बार फिर से नजर डालें तो आप ये सोचें कि ये आम बजट कैसे हो सकता है, गांव के लोगों की क्या पीड़ा रही कोरोना काल में, शिक्षा की क्या अवस्थिति रही, लेबर पैटर्न क्या रहा, माइग्रेशन के कितने दंश रहे, इन सब चीजों के माध्यम से कुछ बात हो पाएगी। बस सर आखिरी जय हिंद कर लेने दीजिए सर, बस एक छोटी टिप्पणी। संसद में जब ये बजट पे बात होती है तो सिर्फ पार्टीजन तरीके से नहीं होती, मैंने शुरू में ही कहा, मैं अपने दल की ओर से इस बजट को चाहता हूं कि ये आम आवाम का बजट हो। इस बजट में सिर्फ वैसी अदृश्य 5 ताकतों का जिक्र ना हो, मौजूदगी का जिक्र ना हो, जिनकी वजह से हम चिंतित हैं, और कभी भी श्रम को हमेशा पूंजी के समक्ष नतमस्तक कराया जाएगा, वो नहीं होना चाहिए सर। जय हिंद सर, थैंक यू सो वेरी मच सर।